अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दोस्तों कैसे हो दोस्तों। आज की हमारी वीडियो 0.75 सबमर्सिबल वाटर पंप के ऊपर। इसमें काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनी है, ठीक है ना। इसमें माई होम भी है, GDB है, डोइन भी है, मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे कंपनी है इसमें, ठीक है ना। और ये काफ़ी अच्छे पंप है, ये ज़्यादातर घरों में इस्तेमाल होते और इनका प्रेशर काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो मुझे ना एक दिन दोस्त ने ना वो किया था, कमेंट किया था कि मैं जो चला रहा हूँ ना ये 0.75 सबमर्सिबल वाटर पंप ये चला रहा हूँ, उस पर जनरेटर पे तो ये ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन जो ना बिजली पे ये नहीं चलता है, ठीक है ना। तो उसके बारे में मैं बता दूंगा कि जनरेटर पे क्यों चल रहा है और बिजली भी नहीं चल रहा है, क्योंकि वो कह रहा है कि हमारे यहाँ बिजली जो ना वो 220 वोल्टेज पूरे आ रहे हैं, ठीक है, 220 ही आ रहे हैं। तो ये 220 से भी कम पे चल जाते हैं, अगर आपकी 200 भी है, 180 भी है, तब भी चल जाते हैं, ठीक है ना। उससे कम हो तो फिर ये मसला कर जाते हैं, लेकिन वो फिर भी चलेगा, उसके ऊपर ट्रिप करेगा, ठीक है ना, लेकिन चलेगा ज़बरदस्त। तो वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है ना। ये क्योंकि ये मैंने इसकी वीडियो पहले अपलोड की हुई थी, काफ़ी अच्छी वीडियो, ठीक है ना। ये तकरीबन 100 फीट से ऊपर डाला हुआ है इन्होंने, देखा ना आपको पैप दूर, काफ़ी दूर नज़र आ रहा होगा। वो देखे नया, बिल्कुल नया बोर हुआ था, ठीक है ना। वो देखे काफ़ी दूर पैप पड़ा हुआ है, तो इसका प्रेशर अभी आप देख भी लोगे, मैं आपको प्रेशर भी दिखा देता हूँ, काफ़ी अच्छा है, ठीक है ना। तो वैसे काफ़ी दोस्त मुझसे पूछते हुए कि यार हम कौन सी कंपनी, क्योंकि मुझे दोस्त ज़्यादा कहते हैं कि कौन सी कंपनी अच्छी है, ठीक है ना। तो ये है ना कि ये कंपनी सारी, इसमें इतना फ़र्क नहीं होता, ज़रा सिर्फ ज़्यादातर फ़र्क होते हैं इसकी जो ना क्वालिटी में, ठीक है ना। तो वो जो आप देख लो ना वहाँ पे जाके ना, अभी ये जो था ये आपको नज़र आ रहा था, ये लोहे वाला था, ठीक है ना। तो लोग वो ना 1000-1500 बचा लेते, लोहे वाले ले लेते, ऊपर जो वो कप लगे होते हैं ना, कप भी ब्रास की अगर हो तो अच्छे अच्छी बात है। और उसके अंदर जो ना वो जो राड सा होता है जिसके ऊपर जो एम्पेलर लगी होते हैं, वो भी अगर जो ना उसका हो स्टील का हो तो वो बहुत अच्छा रहता है, ठीक है ना। वो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। तो आप लोग कोशिश किया करें ना कि जो ना जब भी ना, अगर 1000-1500 महंगे हो तो उसमें जो ना मसला कोई नहीं, तो वो आप लिया करें वही। एक तो काफ़ी दोस्त मुझे कहते हैं कि इसको जो ना सोलर पैनल कितने लगते हैं। एक तो मैं आपको बता दूँ, ये डायरेक्ट सोलर पर कभी भी नहीं चलते, क्योंकि इसकी जो वोल्टेज है ना वो AC वाले है, ठीक है ना, DC वाले नहीं है ये। अगर आपने जो ना इसको जो ना चलाना है ना उस पर सोलर पे, तो उसके लिए आपको इन्वर्टर लगाना होगा। इन्वर्टर के बगैर ये नहीं चलेगा, क्योंकि सोलर की जो होते हैं ना वोल्टेज वो अलग चीज़ें, और जो वो दूसरे हैं वो अलग होते हैं। AC के अलग वोल्टेज होते हैं और DC के अलग होते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए जो ना आपको ये इन्वर्टर अगर आप लगाओगे फिर तो ये चलेगा, नहीं तो इन्वर्टर नहीं लगाओगे तो जो ना डायरेक्ट जो ना उस पर सोलर पर कभी भी नहीं चलते, ठीक है। और दूसरी बात ये ना, जो वो मुझे दोस्त ने कहा था ना जनरेटर का, अगर आप इसको जनरेटर पे चलाते हो या जो ना वो उस पर चलाते हो, UPS भी चलाते हो, ठीक है ना, क्योंकि UPS से इतनी पावरफुल तो नहीं होती, लेकिन फिर भी लॉन्ग पास होते हैं, तकरीबन 3 KV के होते हैं, उसके ऊपर चल जाते हैं, ठीक है। तो उसमें जो ना मसला नहीं होता है, इसका मेन मसला जो है ना, ये मैंने उस्ताद से भी पूछा था, मैं वीडियो में बाद में बता दूंगा आपको, इसमें मेन जो मसला होता है ना वो होता है केबल का। जो हम लोग केबल लगा लेते हैं ना, वो बिजली के कनेक्शन जो करते हैं ना, वो थोड़े से जो ना हम हल्के करते हैं, इनको हल्के कनेक्शन, हल्के जो ना तार जो होती ना वो जो केबल होती है, ये जब भी जो ये आपको केबल नज़र आई ये वाली नहीं, जो कनेक्शन आया हुआ होता है, ठीक है ना, वो वाला, क्योंकि मैंने वीडियो में बताया हुआ डिटेल से। तो अगर वो हम जो ना ब्रेक कर लेते, कमज़ोर तार से कर लेते हैं ना जो ना, फिर वो उसके ऊपर नहीं चलेगी, क्योंकि वो वोल्टेज जो ना ड्राप कर जाते हैं। तो जब भी आप जो ना इसके लिए केबल लगाओ, अच्छी खासी केबल लगाएगा, थोड़ी सी मोटी केबल लगा लिया करें, उसमें तो दो फायदे हो गए। एक तो आपकी मोटर जो ना इतनी जल्दी जो ना वो ख़राब नहीं होगी, जलेगी नहीं, क्योंकि पावर मुकम्मल मिलेगा, जो वोल्टेज है वो मुकम्मल मिलेंगे, फुल वोल्टेज मिलेंगे, तो वो जलेगा नहीं। दूसरा है ना कि कभी जो ना आप जो ना कनेक्शन में गड़बड़ नहीं आएगी, क्योंकि वोल्टेज कम होंगे तो जो ना तार के ऊपर जो लोड पड़ेगी ना, तो आपके लिए मसला कर जाएगा। मसला ये करेगा ना, तो कभी आपका फ्यूज़ उड़ा होगा, कभी आपकी तार जलेगी, ठीक है ना। तो उसे बेहतर ये ना, कभी जब भी आप लगाओ ना, तो आपने हमेशा जो लगानी है केबल अच्छी वाली लगानी, ठीक है ना। अभी देखिए इसको हम जो ना यहाँ पर चलाते हैं, पानी इसका प्रेशर देखिए, प्रेशर के लिए मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी अच्छा प्रेशर होता है, ठीक है ना। 0.50 के भी अच्छा प्रेशर होता है, देखिए ना, अभी इसमें मिट्टी भी आ रही है, रेत भी आ रहा है, लेकिन फिर भी प्रेशर इसका काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। ये देखें, जब ये मिट्टी साफ़ हो जाती है फिर जो ना इसका प्रेशर और भी ज़बरदस्त होता है। प्रेशर तो यही रहता है, लेकिन ये पानी साफ़ होता है, ठीक है ना। अभी थोड़ा सा जो ना प्रेशर हमें थोड़ी सी कमज़ोर नज़र आ रही है, क्योंकि वो जो मिट्टी है ना, इसलिए यार जहाँ भी मैं देखता हूँ, जहाँ भी नया घर बन रहा होता है या जहाँ नया मार्केट बन रहा होता है, ठीक है ना, वहाँ पे यही 0.75। 0.75 का ये फ़ायदा ना कि इसका तो एक तो बिजली का ख़र्चा नहीं है, ठीक है ना। इसका एम्पेयर जो होता है ना वो 5.6 होते या 6 एम्पेयर होते, इससे ज़्यादा होते नहीं, 5-6 एम्पेयर ले रहे हैं, ठीक है ना। जो होते हैं ना 5.6, मेरे ख्याल में 5.6 एम्पेयर ले रहे हैं जो वो होते हैं ना दूसरे 0.50 के, वो मेरे ख्याल में 4 ले रहे हैं, जो उससे कम है वो और भी कम ले रहे हैं, ठीक है। अभी मैं ये आपको दिखा रहा हूँ जनरेटर, ठीक है, ये जनरेटर पे, इस पर
तीन एचपी की मोटर भी चल रही, 0.75 की भी चल रही, ठीक है। तो इन्होंने कभी ये नहीं कहा था कि जो ना हमारा जो ना वो बिजली पे तो चल रही है, और नहीं सॉरी उस पर जनरेटर पे तो चल रही है लेकिन बिजली पे नहीं चल रही। ये बिजली पे भी चलाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ इनके साथ पड़ोसियों में बिजली है, वैसे इनकी जो ना ये चल रहा है मुकम्मल सिस्टम जो है जनरेटर पर, क्योंकि अपनी इन्होंने बिजली नहीं ली, ठीक है ना। तो ये जनरेटर पे चल रहा है, ठीक है। केबल अगर आपकी अच्छी हो, ठीक हो, तार ठीक हो ना, ठीक है ना, मोटी तार हो, तो फिर जो ना उसको उसके ऊपर मसला नहीं है। हाँ, मैंने ये भी पूछा था, मैंने कहा शायद उसके जो ना कैपेसिटर का मसला हो, तो उस्ताद से मैंने पूछा था कि उस्ताद जी क्या कैपेसिटर में कोई मसला पेश आ सकता है। तो उस्ताद ने कहा नहीं, अगर कैपेसिटर में मसला हो ना तो फिर ये ना उस पर चलेगी, जनरेटर पर चलेगी, और ना जो ना बिजली पर चलेगी। ये जो जनरेटर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये तो दूसरे वाले, ठीक है ना, ठीक है ना, वो जो चाइना जनरेटर होते हैं ना छोटे वाले, या दूसरे ओरिजिनल भी होते हैं लेकिन छोटे जनरेटर होते हैं ना उसमें, और इसमें उसका मसला होता है सिर्फ बिजली का। अगर आप 220 वोल्ट बिजली पूरी कर देते हो, ठीक है ना, तो क्योंकि बिजली तो वो भी होती है, बिजली ये भी होती है, ठीक है ना, जो उसमें वापटैक बिजली होती है ना, और उसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि वो भी एसी होती है, ये भी एसी होती है, जनरेटर की भी एसी होती है, लेकिन सिर्फ आपको 220 पूरा करना होता है, ठीक है ना। अभी देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसके जो ऊपर 3 HP का भी चल रहा है, और प्रेशर देखिए काफ़ी ज़बरदस्त है, ये देखें। अच्छा, मैं अभी आपको दिखाऊंगा ना जो वो केबल के बारे में बता रहा था, ठीक है ना, मैंने डबल भी दिखाया था इसमें। ये देखें, ये जो ना इसका कंट्रोल बॉक्स बॉक्स होता है, ठीक है ना, एक ये केबल है, इसको तो ख़राब होना ही नहीं चाहिए ना, क्योंकि ये तो मशीन से आई हुई, ठीक है ना। तो मशीन से अगर आई हुई तो ये जनरेटर पे चल रहा है, तो इसका मतलब ये ठीक है। अगर ये जनरेटर पे ना चल रहा होता तो फिर हो सकता है इसका मसला हो, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि जनरेटर पे तो ठीक ठाक चल रहे हैं और बिजली पे नहीं चल रहा है, ठीक है ना। ये वाली जो केबल है ये भी ठीक है, क्योंकि ये जो ना जनरेटर से लग रही है, ठीक है, तो इसका मतलब है डब्बा भी आपका ठीक है, कैपेसिटर भी आपका ठीक है, वो वाली वायर केबल भी आपकी ठीक है, और ये वाली भी ठीक है। अब जो मेन केबल है जहाँ से बिजली आ रही है, ठीक है ना, क्योंकि ये आपने डायरेक्ट जनरेटर में लगाना होता है, ठीक है ना, तो उसमें जो ना जनरेटर का मतलब ये है कि ये ठीक है, जनरेटर की बिजली भी ठीक है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ वो जो दूसरा स्विच है, ये साथ वाला, ये ठीक है ना, वो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि वो हमारा भी जला हुआ था, ठीक है ना। मैं तो अभी सिर्फ आपको जो ना एग्जांपल की तरफ दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, हमारा भी जो बोर्ड था वो भी जला हुआ था, उसके ऊपर हमने लोड ज़्यादा डाला हुआ था, ठीक है, तो वो इसलिए मैं कह रहा हूँ ज़्यादा जब आप लोड डालते हो तो वो जल जाते हैं, लेकिन अगर आप जो ना वो लगा लेते अच्छा, ठीक है ना, वायर जो अगर आपकी अच्छी दिखा ना, अभी देखो ये वायर इसकी अच्छी लगी हुई थी, ठीक है ना, ऊपर से यहाँ तो जल गया, ठीक है, यहाँ से जो स्विच गया हुआ था वो तो जल गया, लेकिन जो पीछे केबल आई हुई, ठीक है ना, ये तार ये वायर जो आई हुई ये नहीं जली, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे हमने लगाई, मजबूत तारें लगाई, ठीक है ना। ये देखिए, ऐसे अगर आपकी जो पीछे वाली जो वायर, अगर ये जो ब्लैक जो ब्लैक वायर नज़र आ रही है आपको केबल, अगर ऐसे मोटी आप लगा लेते तो वो और भी बेहतर रहता है, ठीक है ना, क्योंकि ये 1.1 किलोवाट का भी चला सकते हैं और ये भी चला सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल वाला आइकन और आर के नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें, ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे।